सो गाइस, आज है हमारे पास CP+ का E41A कैमरा जो है 4 मेगापिक्सल का, और ये कैमरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आता है क्योंकि ये कैमरा सेम वही मॉडल है जो हमें मिल जाता है E31A में, जो हमारे पास 3 मेगापिक्सल का है और हमने पहले भी अनबॉक्सिंग किया हुआ है और इसका पूरा रिव्यू आपको दिया है। तो इसी का एक सक्सेसर आप समझ सकते हैं ये वाला E41A कैमरा हमारे पास है, और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाएंगे आपको डेमो कि कितना क्लियर इसमें आपको विज़न मिलता है और क्या कुछ इसका फील्ड ऑफ व्यू है, या फिर क्या क्या इसमें इन ऐप फंक्शन क्या क्या मिल जाते हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो अगर हम बात करें कि बॉक्स के ऊपर क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा CP+, ईजी कैम प्लस, वाईफाई होम कैमरा और वर्क्स विद अलेक्सा, वर्क्स विद गूगल होम, CP+, और यहाँ पर नीचे मॉडल नंबर E41A 4MP क्वाड HD कैमरा, और यहाँ पर इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ईजी कैम प्लस, वही सारी डिटेल, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 4MP क्वाड HD कैमरा, 360 व्यू, मोशन डिटेक्शन अलर्ट, मोशन ट्रैकिंग, प्राइवेसी मोड, IR लाइट्स, ये सभी फंक्शन आपको कैमरे में मिलने वाले हैं ऐसा यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। बाकी हम अभी बॉक्स को ओपन करके और कैमरे को डेमो करके दिखाएंगे कि ये सभी चीज़ें मिलती हैं और कितने अच्छे से वो वर्क करती हैं, सभी चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये कैमरे की जो MRP देखने को मिलेगी वो 4600 देखने को मिलेगी। अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, ये E31A कैमरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल नंबर E31A और ये E41A। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्राइसिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पर जो MRP है E31A की 4100 है और E41A की 4600 है, तो यहाँ पर आलमोस्ट आपको 500 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आलमोस्ट यही डिफरेंस आपको ऑनलाइन भी प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट 500 की डिफरेंस में कंपनी ने क्या आपको बेहतरीन देने की कोशिश की है, वो हम आज बात करेंगे इसी वीडियो में। तो हम अभी इसका कर देते हैं अनबॉक्स। तो भाई, बॉक्स की पैकिंग आप देख सकते हैं, इस तरीके से बॉक्स मिल जाएगा। एक बॉक्स के अंदर दो बॉक्स और आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और अब यहाँ पर हम ये छोटे वाला जो बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो गाइस, यहाँ पर एज यूजुअल आपको देखने को मिलेगा कुछ स्क्रूज, और यहाँ पर दिख जाएगा सीलिंग माउंट और वॉल माउंट, ये एक्चुअली दोनों ही माउंटिंग के पर्पस से काम करता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखेगा एक अडेप्टर जो होगा सेम 5V 2A का, और उसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगी आपको एक डेटा केबल जो कुछ इस तरीके से है, और देख लेते हैं कौन सी डेटा केबल हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको टाइप A2 DC पिन देखने को मिल जाएगा, ये थोड़ा पुराने मॉडल्स में आया करती थी, वही वाली पिन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए इसको रख देते हैं सभी को साइड में, और अब यहाँ पर बात करते हैं ये वाला जो बॉक्स है इसकी, और इसमें हमें देखने को मिलेगा कैमरा हमारा, तो इसको भी अभी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा इस तरीके से कुछ पैकिंग की गई है, और ये है कैमरा। तो गाइस, ये कैमरा है, आपको इस तरीके से कैमरे का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका क्या फिजिकल ओवरव्यू है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कैमरा, और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट, और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्पीकर ग्रिल, और उसके बाद ये डेटा केबल मिलती है। डेटा केबल मतलब पावर केबल समझ सकते हैं आप, तो आपने इन करना होता है 5V DC में इस तरीके से, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक रीसेट बटन इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे कुछ सेकंड तो आपको ये रीसेट कैमरा आप इसको कर पाएंगे और फिर से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने किसी ऑलरेडी वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है तो आपको रीसेट करना पड़ता है, उसके लिए काम ये स्विच काम आता है। और उसके बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा RJ45 का एक लैन पोर्ट जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वाईफाई के एरिया से दूर लगाना है तो आप इस कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको वायर यहाँ पर इंसर्ट करनी होगी और ये डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाएगा, उस सूरत में ये काफ़ी काम आने वाला पोर्ट होता है, और काफ़ी कैमरों में आजकल नहीं मिल रहा है तो वो कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो थ्रेड है वो। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये क्या डिफरेंस है,
जो E31A कैमरा है जो 3 मेगापिक्सल में, वो भी सेम लुक है उसकी भी, तो सेम दोनों देखने में सेम है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नज़र नहीं आएगा जब तक आप नीचे यहाँ पर जो इसका प्रिंट है उस पर नहीं देखेंगे कि ये 4 MP कैमरा और वो 3 MP का, तब तक कोई भी आपको डिफरेंस यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए ये रहा इसका अनबॉक्सिंग, और अब करते हैं इसका डेमो और देख लेते हैं कि इसमें हमें कितनी क्लैरिटी और क्या फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। हमें इसको ऐड करना होगा, हम इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, फिर आपको हम इसका डेमो दिखाएंगे। तो ऐड करने का जो प्रोसेस है वो हमने अपनी चैनल पे और भी वीडियो बना करके डाल रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर कैमरा हमारा कनेक्ट हो चुका है और जो इसकी फुटेज है वो भी काफ़ी अच्छी हमें अभी तक देखने में यहाँ पर लग रही है, और मैं इसको थोड़ा रोटेट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि सभी कैमरों के लिए देखने को मिलता है। और अभी तक हमें जो रोटेशन देखने को मिल रही है काफ़ी स्मूथ मिल रही है, इसमें कोई भी लैग या जर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और जो इसकी फुटेज की बात है वो भी हमें काफ़ी यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रही है। फुटेज में यहाँ पर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनडोर के अकॉर्डिंग, और जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वो भी काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है। तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है, 4 MP की क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी इसमें से हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो इस कैमरे के स्पीकर से जो आपको साउंड मिलती है वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, एवरेज है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, जो कि सभी और भी इसके जो प्रीवियस मॉडल हैं E21A E31A उन दोनों के ही जैसी है। कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा स्पीकर या फिर लाउड साउंड वाला कोई भी स्पीकर यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, जैसे कि आपने देखा होगा जो हिकविजन के कैमरे हैं उनकी जो साउंड है थोड़ा सा लाउड आपको देखने में मिल जाती है और क्लियर भी देखने को मिल जाती है, तो वो यहाँ पर अभी तक सी पी प्लस ने अपने किसी भी कैमरे में नहीं किया है। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इसका एप्लीकेशन का, जो यूज़र यूज़र इंटरफेस है वो किस तरीके का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आपने कनेक्ट कर दिया होगा कैमरा तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा CPE41A, और यहाँ पर आपने इसको अगर कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा दिखेगा कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ। तो उसके बाद में अगर यूज़र इंटरफेस में यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है HD का, और जिसको आप चेंज करके SD में भी कर सकते हैं, हालांकि HD से डाउन ही आपको SD मिलेगा, तो आप HD पे ही रखें। और उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है कैमरे का स्पीकर जो वॉल्यूम है उसको म्यूट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप म्यूट अभी रख सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। और यहाँ पर ये विंडो मिल जाती है, आप इसको किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं विंडो को, जो इस तरीके से आपको मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको विंडो इस तरीके से फुल स्क्रीन मिल जाएगी देखने को, और यहाँ पर आप इसको चाहे तो नॉर्मल स्क्रीन भी रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि व्यू एल्बम जा करके आप एल्बम में उसको देख सकते हैं। और उसके बाद में ये मिल जाएगा आपको हॉल टू टॉक का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके जो कि इनसे पहले वाले अदर वर्जन में भी आपको देखने को मिल रहा था, जैसे कि E31A या E21A, तो इस तरीके से आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ये भी व्यू एल्बम में जा करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पर आपको प्लेबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप चाहे तो प्लेबैक देख सकते हैं इस तरीके से, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है आपको रिकॉर्डिंग को आगे प्ले पॉज करने का। और उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है गैलरी का, आप गैलरी में जो आपने फोटो वीडियो सेव की होंगी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर कलर थीम आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं लाइट मोड और डार्क मोड, जो आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं इस तरीके से, डार्क मोड आप कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लाइट मोड। उसके बाद में प्राइवेट मोड आपको देखने को मिल जाएगा, तो प्राइवेट मोड में आप इस तरीके से अगर इसको ऑन करेंगे तो आपका जो कैमरा है वो डिसेबल हो गया, यानी कि वो रिकॉर्ड करना उसने छोड़ दिया, वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, प्राइवेसी मोड आ जाता है। उसके बाद में टर्न ऑन कैमरा आप यहाँ पर कर सकते हैं, वापस से कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप नाइट मोड ऑटो रख सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं या ऑन भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर मोशन ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, आप इस तरीके से करेंगे तो मोशन ट्रैक करेगा कैमरा, और जहाँ भी ये मोशन होगा वो कैमरा उसको इस हिसाब से ट्रैक करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, तो कैमरा इसी डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है, और अगर मैं
इस डायरेक्शन में अपने इस वाले लेफ्ट वाले हाथ को मूव करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि कैमरा भी इस डायरेक्शन में मूव करने लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोशन को ट्रैक करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मोशन डिटेक्शन की, तो इस तरीके से मोशन को ये डिटेक्ट करेगा और आपको वहाँ पर अलर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसको देखिए, अलर्ट भी यहाँ पर आ गया मोशन डिटेक्टेड। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर मैसेज रिसीव हो गया कि कोई डिटेक्शन आपको हुई है, कैमरे को एक मोशन डिटेक्ट हुआ है। तो वो यहाँ पर आपको इस तरीके से मैसेज देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको टाइम देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कि एक मोशन डिटेक्ट हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी देगा कि किसका मोशन डिटेक्शन हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस टाइम पे कौन पर्सन इसके सामने आया था। और यहाँ पर अभी हम मोशन डिटेक्शन बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी साउंड डिटेक्शन भी देखने को मिलेगा। साउंड डिटेक्शन में अगर कोई साउंड होता है तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया है कि साउंड डिटेक्ट हुआ है। कैमरे का यहाँ पर मॉडल नंबर डिवाइस इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी जिसमें आपको कैमरे का जो ऑनर है वो देखने को मिलेगा कि कैमरा किस आईडी पे कनेक्ट है, टाइम जोन और ये सभी चीज़ें, आईडी वगैरह, सिग्नल स्ट्रेंथ 95%, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। प्राइवेट मोड भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन सेटिंग में काफ़ी सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको यहाँ पर फ्लिप स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि अपसाइड डाउन, अगर आपने आपको स्क्रीन अपसाइड डाउन नज़र आ रही है तो आप यहाँ पर फ्लिप स्क्रीन का ऑप्शन करके उस स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, मैंने स्क्रीन फ्लिप स्क्रीन का ऑप्शन ऑन कर दिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा व्यू है वो इस तरीके से मुझे अपसाइड डाउन नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको भी दिख रहा होगा अपसाइड डाउन इस तरीके से नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस कैमरे को इस तरीके से माउंट करना चाहूँ, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अगर माउंट करना चाहूँ तब मुझे स्क्रीन बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन अपसाइड डाउन करनी है तो आप वो वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा टाइम वाटरमार्क की, आप टाइम वाटरमार्क यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। टॉक मोड, आपको यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं जिससे कि आपको विदाउट कोई भी बटन को होल्ड किए आप टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बड़े काम का फीचर यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पर IR नाइट विजन देखने को मिल जाएगा, ऑटो ऑन या ऑफ, या आपको स्क्रीन पर भी मिल रहा था ऑप्शन। ऑन वेव का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब गाइस ये होता है कि आप इसको NVR या DVR पर वायर के थ्रू अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपको DVR पर भी शो होगा और आप इसको DVR से भी कनेक्ट कर सकते हैं। DVR के कैमरों के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं और वहाँ से आप इसको पैन टिल्ट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप पासवर्ड भी रीसेट यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें स्टोरेज सेटिंग, तो यहाँ पर आपका जो मेमोरी कार्ड आपने इसमें इंसर्ट किया हुआ है उसका आपको यहाँ पर प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा कि आपने टोटल कैपेसिटी कितने GB का मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया है, यूज कितना है और रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लोकल रिकॉर्डिंग, आपने यहाँ पर ऑन करनी है या ऑफ करनी है, ये आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये ऑन करनी चाहिए, आप इसको ऑन करके रखें। लूप रिकॉर्डिंग भी आपको ऑन रखनी चाहिए। लूप रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि अगर आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाए तो वो ऑटोमेटिक लूप रिकॉर्डिंग करे, यानी कि पीछे की रिकॉर्डिंग जो है वो इसको डिलीट करता रहे और आगे की रिकॉर्डिंग को सेव करता रहे। इसके बाद में यहाँ पर रिकॉर्डिंग मोड आपको देखने को मिल जाएगा, इवेंट रिकॉर्डिंग या फिर नॉन स्टॉप। तो आप यहाँ पर इवेंट रिकॉर्डिंग, नॉन स्टॉप, मैसेज, जो आपकी चॉइस हो वो आप यहाँ पर कनेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इवेंट रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि जब कोई इवेंट होती है उस दौरान आपका जो कैमरा है रिकॉर्ड करता है, और इवेंट नहीं होती तो उस चीज़ को, फुटेज को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, उससे आपको बेनिफिट हो जाता है कि आप फटाफट से देख पाएंगे कि जो भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वहाँ पर उसने कोई अगर मोशन हुआ है तो आपको पता चल जाता है कि इस टाइम पर ये मोशन हुआ है और आप जल्दी से जा करके वो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। अदरवाइज आपको फुल डे रिकॉर्डिंग में क्या करना होता है कि काफ़ी कुछ ढूंढना पड़ता है कि कब कब कौन आया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। बाकी आगे आपकी चॉइस है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर आप मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑन ऑफलाइन नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑफलाइन नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपका कैमरा जो है वो 30 मिनट के ज़्यादा से वो बंद पड़ा हुआ है तो एक आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका कैमरा जो है वो बंद पड़ा हुआ है या ऑफलाइन पड़ा हुआ है। ये ऑफलाइन नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको शेयर डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप डिवाइस को शेयर कर सकते हैं। डिवाइस को शेयर करना भी काफ़ी ईजी है। यहाँ पर आपको ऐड शेयरिंग में जाना है। ऐड शेयरिंग में जाने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, शेयर विद द अकाउंट इजी कैम प्लस शेयर विद रिसेंट कॉन्टैक्ट्स। तो आप
रिसेंट कॉन्टैक्ट में भी जा करके अपने किसी कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ये शेयरिंग कर सकते हैं, या फिर आप इजी कैम अकाउंट जो आपने किसी और के फोन में बनाया है उसको भी यहाँ पर फिल करने के बाद में उसको शेयरिंग कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है शेयर करना। डिवाइस अपडेट का ऑप्शन है, इसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक अपडेट आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट को सेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट करता रहेगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप नॉर्मली ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी फंक्शन आपको इस कैमरे में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर